एक, यूके और यूएस ने किस पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उन्नत एआई का परीक्षण। दो, यूके यूएस सहयोग का उद्देश्य क्या है? एआई उपकरणों और प्रणालियों की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए मजबूत विधियों का विकास करना। तीन, ईआईयू व्यवसाय वातावरण रैंकिंग के अनुसार व्यवसाय करने के लिए कौन से देश सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका। पार, ईआईयू व्यवसाय वातावरण रैंकिंग में कौन से संकेतक उपयोग किए जाते हैं? मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत, आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय नीतियाँ। फाइव, पिछले 16 वर्षों से किस देश ने ईआईयू व्यवसाय वातावरण रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सिंगापुर। छह, 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रमुख भूमिका ऑस्कर किसने जीता? एम्मा स्टोन। सात, माजुली की कौन सी पारंपरिक शिल्प कलाओं को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया? पारंपरिक मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि चित्रकारी। आठ, माजुली की पारंपरिक शिल्प कलाओं के लिए जीआई टैग का क्या महत्व है? वे कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं और प्रामाणिकता और विरासत को बनाए रखने में मदद करते हैं। नौ, माजुली की पांडुलिपि चित्रकारी में कौन कौन सी महाकाव्य कथाएं चित्रित की गई हैं? रामायण, महाभारत और भागवत पुराण। 10. आईपीएल में रविंद्र जडेजा ने कौन सा अनोखा मील का पत्थर हासिल किया? 100 कैच, 1000 रन और 100 विकेट। 11. रविंद्र जडेजा ने किस टीम के खिलाफ आईपीएल में अपना मील का पत्थर हासिल किया? कोलकाता नाइट राइडर्स। 12. मैच के बाद रविंद्र जडेजा कहाँ गेंदबाजी का आनंद लेते हैं? एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई। 13. एटीपी सिंगल्स रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर एक कौन बने? नोवाक जोकोविच। 14. नोवाक जोकोविच किस उम्र में एटीपी सिंगल्स रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर एक बने? 36. 15. किस रिपोर्ट ने 2024 में 67 यूनिकॉर्न के साथ भारत को विश्व में तीसरा स्थान दिया? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। 2024 में सबसे अधिक यूनिकॉर्न किस देश के पास हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। 17. हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के यूनिकॉर्न का कुल मूल्य कितना है? $5 ट्रिलियन। 18. हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? ByteDance। 19. एक नए शोध अध्ययन के अनुसार साइबर अपराध के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? 10. 20. संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई। 21. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार 25 मई 2024 किस महत्वपूर्ण वर्षगांठ को चिह्नित करता है? पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ। 22. संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व फुटबॉल दिवस के प्रस्ताव को किसने पेश किया? नेगेटिव लीबिया के UNN राजदूत ताहिर एल सोन्नी। 23. मेघालय राज्य के लिए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इदाशिशा नोंगरांग। 24. मेघालय में DGP के रूप में इदाशिशा नोंगरांग की नियुक्ति का क्या महत्व है? वह DGP पद धारण करने वाली पहली महिला और आदिवासी महिला हैं। 25. फ्रेंच MotoGP में लेमेंस में रोमांचक जीत किसने हासिल की? जॉर्ज मार्टिन। 26. कौन सा प्रोजेक्ट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS से मंजूरी प्राप्त कर चुका है? भारत की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। 27. किन देशों ने AMCA के समान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित किए हैं? अमेरिका, रूस और चीन। 28. पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गगन नारंग ने किसकी जगह ली? मैरी कॉम। 30. सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे लगातार कार्यकाल के लिए कौन शपथ ली? प्रेम सिंह तमांग। 31. हाल ही में सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 32 में से 31 सीटें जीती? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, SKM। 22. इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया? सम्मान कैपिटल लिमिटेड। 33. सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम परिवर्तन के पीछे का कारण क्या था? बेलारूस को आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन SSCO का 10वां सदस्य राज्य कब स्वीकार किया गया? 4 जुलाई 2024। 35. किस बैठक में बेलारूस की SSCO में सदस्यता औपचारिक रूप से स्वीकृत की गई? SSCO के राज्य प्रमुखों की परिषद की 24वीं बैठक। 36. बेलारूस के SSCO में शामिल होने पर गर्व किसने व्यक्त किया?
बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 37वीं यूपीआई लेनदेन सीमा बढ़ाने के साथ आरबीआई ने कौन सी नई सुविधा पेश की है? डेलीगेटेड पेमेंट्स। 38 आरबीआई द्वारा कर भुगतानों के लिए निर्धारित नई यूपीआई लेनदेन सीमा क्या है? प्रति लेनदेन 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये। नोवाक जोकोविच। 40वें पेरिस 2024 ओलंपिक में टेनिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए नोवाक जोकोविच ने किसे हराया? कार्लोस अल्कारेज। 41वां इसरो चंद्रयान 3 टीम को कौन सा पुरस्कार मिला? विज्ञान टीम अवार्ड। 42 सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना। 43 निडर रिपोर्टिंग के लिए 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड किस संगठन को मिला? सोमालिया के बिलान, देश की एकमात्र ऑल वीमेन न्यूज़ टीम। 44 सोमालिया के बिलान ऑल वीमेन न्यूज़ टीम का नेतृत्व कौन करता है? चीफ एडिटर हिंद अब्दी मोहम्मद। 45 बिलान की कहानियों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए किन विषयों को कवर किया है? अल्बिनो समुदायों और एचआईवी पॉजिटिव सोमालियों के खिलाफ भेदभाव।